Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go, go, go to the deepest end. नमस्कार दोस्तों, तो सब ठीक ठाक होगा। चलिए कहते हैं रियलमी से स्टार्ट करते हुए, चलते हैं अपनी न्यूज पर, बच्चों और बुढ़ों कपड़ा। तो चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। तो पहले बार रियलमी ने लॉन्च किया आज तीन नए प्रोडक्ट, रियलमी स्मार्ट टीवी न्यू एंड बैंड एंड समथिंग मोबाइल, जो कि बोली है रियलमी स्मार्ट टीवी न्यू 32 इंच, जिसकी प्राइस है 14,999 रुपये, मतलब 15,000 रुपये, जो कि मेन प्राइस थी 16,000 रुपये, जो कि बोली है सेल लगेगी 3 अक्टूबर को, आप जाके परचेस कर सकते हैं। फिर दूसरी प्रोडक्ट है रियलमी नार्जो 50A और 50i, जिसकी बोली गई थी प्राइस है 50A की प्राइस है 11,499 रुपये एंड जो रियलमी नार्जो 50A की प्राइस है 7,499 रुपये। तो अच्छी बात है, एक गुड लुकिंग फ़ोन है समथिंग, आप समझते हो, मैंने इस बीच पहले से बता के रखा है, तो अच्छी बात है। फिर तीसरी प्रोडक्ट है रियलमी बैंड 2, जिसकी प्राइस बोली गई है 2,999 रुपये, जिसे बोली है 27 सितंबर को सेल लगेगी फ्लिपकार्ट पे, तो अच्छी बात है। फिर दूसरी खबर है ओप्पो से, तो ओप्पो की रेनो 6 प्रो 5G आ गई है दिवाली एडिशन, जो कि मैंने पहले से कहा था दिवाली एडिशन आने वाली है, जो कि बोली है लगभग 27 सितंबर को लॉन्च होगी, तो ये डेट कंफर्म हो गया है, ये शायद आ सकती है अमेजोन पे। बट ओप्पो रेनो 6 प्रो अपनी और भिजवाने के लिए भैया दिवाली एडिशन बना दिए, मौका ले ली है, तो अच्छी बात है। फिर ZTE से, तो ZTE लॉन्च करेगी एक्सन 30 प्रो प्लस UD एडिशन। UD पता नहीं चल रहा है कि UD एडिशन क्या है, वो तो बस खाली कहा है, जो कि बोलिए 512 GB स्टोरेज के साथ आएगी, तो अच्छी बात है। फिर शॉमी से, तो शॉमी लॉन्च करेगा 27 सितंबर को ट्रू वायरलेस नॉइस कैंसलेशन ईयरफोन्स 3 प्रो। इतना बड़ा नाम का है रखो भाई, इतना बड़ा नाम लेके हम क्या करेंगे, इज्जत भी तो रहनी चाहिए। अरे भाई इज्जत है यार शॉमी की बहुत इज्जत है। तो बोली है 27 सितंबर को लॉन्च होगी, प्राइस रेंज कुछ नहीं बोला गया है। फिर ये शॉमी से, तो शॉमी की CV वाली मोबाइल, या CV मोबाइल की यार स्पीच लीक हुई है, जो कि बोली 6.5 इंच की डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट साथ, स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर, 4500mAh की बैटरी, 55W की फास्ट चार्जिंग, 32MP फ्रंट कैमरा, 64MP मेन कैमरा, $417 मींस लगभग 30,000 से 35,000 रुपये के बीच में चाइना में लॉन्च होगा। फिर वही मोटरोला से, तो मोटरोला की जी प्योर एंड मोटरोला E40 दोनों साथ में लॉन्च होने के लिए तैयार हो गए, बोली जा रही है कमिंग सून दिखाई है, देखते हैं कब यह लॉन्च होती है। फिर वही आईफोन से, तो आईफोन 13 की इतनी डिमांड बढ़ गई है जिसकी बात छोड़ दीजिए, मतलब बोलिए यार चाइना में इतनी डिमांड है जिससे हमें लग रहा है आईफोन मतलब एप्पल कम्युनिटी इतनी नंबर वन पहुंच जाएगी जिसकी शाओमी तो पीछे ही पड़ जाएगी, मतलब नंबर वन पे अब एप्पल पहुंच जाएगी। तो ये क्या कहते हैं कम्युनिटी सिस्टम है, तो उन्होंने बोला है, तो अच्छी बात है। फिर भी ओप्पो से, तो ओप्पो लॉन्च करने वाला है 26 सितंबर को ओप्पो स्मार्ट टीवी K9, जो कि बोलिए 75 इंच की डिस्प्ले के साथ एंड मीडियाटेक प्रोसेसर लगी है, तो अच्छी बात है। फिर रियलमी से, रियलमी की अगली फ़ोन आने वाली है रियलमी क्यू सीरीज, जो कि बोली है स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर के साथ आएगी, मे बी अपने इंडिया में तो यार रियलमी 9 सीरीज आएगी, मैंने कल ही कहा था। फिर सबसे से, तो सैमसंग बातचीत करने वाला है टेस्ला से, जो कि बोली है अगले जनरेशन की, नेक्स्ट जनरेशन की चिप बनाएगा सेल्फ ड्राइविंग के लिए, पुणे से मतलब भैया मतलब सेल्फ ड्राइविंग के लिए बनाई है, तो अच्छी बात है। फिर वही मोटरोला से, तो मोटरोला H20 Pro की लॉन्चिंग डेट कंफर्म हो गई है, बोली आ रही 1 अक्टूबर को लॉन्चिंग होगी फ्लिपकार्ट पे, सेल लगेगी। फिर वही शॉमी से, तो शॉमी पैड 5 सोल्ड आउट हो गई लगभग 10 मिनट में यूरोप की वेबसाइट में, सिर्फ 10 मिनट में बिक्री हुई है, 10 मिनट में सोल्ड आउट हो गई है। तो यार एक क्या कहते हैं 35,000 के बजट में भाई कहते हैं आप MI पैड 5 निकाल रहे हो, स्नैपड्रैगन कर रहे हो जो भी है, तो अच्छी बात है। फिर अमेजोन से, तो अमेजोन निकाला है अमेजोन एको स्टूडियो बिली इलिस लिमिटेड एडिशन, जो कि बोली है लगभग $230 की प्राइस है, क्या कहते हैं सिंगर के ऊपर कहते हैं बनाया है स्टूडियो टाइप में, तो अच्छी बात है। फिर IQ से, तो IQ की एक नई फोन आने वाला है IQ Z5X, यस Z5 तो अपने इंडिया में लॉन्च होने वाली है, बोले जा रहा है कि Z5X लॉन्च होगी, तो अच्छी बात है। फिर एप्पल से, तो एप्पल के CEO जो कहे भैया कि एप्पल के CEO जो टीम कुक है वो थोड़ा दुखी हो गए कि भैया मेरी फ़ोन लीक हो जाती है बार बार कुछ कर्मचारी की वजह से, मतलब भाई कर्मचारी की वजह से यार लीक हो जा रही है बार बार, ऐसा क्यों? तो यार इस वजह से एप्पल के जो CEO है टीम कुक वो बहुत दुखी हो गए हैं। भैया दुखी मत हो भैया, एक तरफ आपका फ़ोन बिक भी रहा है और एक तरफ कहते आपका ये भी हो रहा है, तो अच्छी बात है भैया आपके लिए भी।
फिर भी भविष्य तो अभी एक ला रहा है वॉच फिट, क्या कहते हैं, नया वॉच फिट ला रहा है जो कि बोली है उसमें जंप रोप ट्रैकिंग देगा, तो अच्छी बात है। जिसकी प्राइस बोली गई है लगभग $124, तो अच्छी बात है। फिर एक गूगल से, गूगल बोला है कि मैं रिप्लेसिंग करूंगा भैया, रिप्लेस करूंगा गूगल पिक्सल 3 और 3 एक्सल को, तो बोला है थोड़ा सा और मोड देगा, मतलब जो गूगल पिक्सल 3 और एक्सल में थोड़ा सा मोड देगा, अच्छी बात है। फिर भविष्य तो अवे लॉन्च किया है एक नया ओपन यूलर ओएस समथिंग, हमें लग रहा एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम निकालेगा, तो ये अच्छी बात है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करके एक अच्छी बात है। फिर भी सबसे से सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज क्या कहते हैं आने वाली है, बहुत से कलर, यस लगभग जिस तरह आप कलर देख रहे उसी तरह कलर आ रहा है। फिर ओप्पो से, तो ओप्पो यार 5G के अंदर घुस गया है, मतलब 5G के अंदर नहीं घुसा भाई, 5G में काम करेगा, मतलब अच्छी बात है, एरिक्सन के साथ अगर काम करके 5G बैंड को डेवलप करेगा, मतलब एक तरफ से कहते हैं वावे एक तरह काम करेगा, तो अच्छी बात है। फिर यूरोपियन यूनियन से, तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है भैया कि जो टाइप सी केबल है यस वो पूरे फ़ोन में लगनी चाहिए, अब माइक्रो यूएसबी बंद होनी चाहिए, मतलब बोला जा रहा है कि एक तरफ से अब एप्पल भी यूज करे, एप्पल एक अलग से केबल ना निकाले, ये दिक्कत होता है, तो बोला जा रहा है टाइप सी अब हर फोन में अनिवार्य रहना चाहिए, यूरोपियन यूनियन ने कहा है, तो अच्छी बात है। फिर भविष्य तो अभी लॉन्च किया है फ्री लेस लाइट वायरलेस ईयरफोन, जो कि बोलिए 18 घंटे बैटरी लाइफ के साथ, लगभग प्राइस है 42 मीन्स 3000 समथिंग है, तो अच्छी बात है। फिर नोकिया से, नोकिया लॉन्च किया है E3511 वायरलेस ईयरबड्स विद एक्टिनस के साथ, 25 घंटे की बैटरी लाइफ है, लगभग बोली आ रही है प्राइस वाइज कुछ नहीं बोली गई है, वो तो अभी लॉन्च हुई है। फिर गूगल से, तो गूगल क्रोम में कहते एक नया फीचर आने वाला है, स्लाइड, यस स्लाइड फीचर आने वाला है, स्लाइड सर्च फीचर, मतलब स्लाइड कीजिए बैक पैनल है, इससे मतलब एक नया फीचर डाला है समथिंग माइक्रोसॉफ्ट ईट जैसा, तो एक अगर लिखिंग हुआ तो अच्छी बात है। फिर शॉमी से, शॉमी पेटेंट की एक 3D इमेजिंग सिस्टम को, यस 3D जैसा फीचर्स मिलेगा एक, मतलब फोटो में 3D जैसा फीचर्स मिलेगा, जिस तरह फोटो देख रहे हैं उसी तरह ही फोटो मिलेगा, शायद MI 11 लाइट NE के साथ खींचा गया है, मुझे तो अगर नीचे दिखा गया MI 11 लाइट NE से खींचा गया है, शायद उस तरह फीचर डाल दे MI 11 लाइट में, तो ये तो पेटेंट बड़ा अच्छा है। फिर अमेजोन से, तो अमेजोन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल अनाउंस किया है 4 अक्टूबर से, अब वो 4 अक्टूबर से अनाउंस किया, कब चले पता नहीं चले भैया कब, शायद हमें लगा दिवाली तक चल जाए, तो ये अच्छी बात है भाई, अगर दिवाली तक चल जाएगा अमेजोन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल तो और भी मजे है। फिर सोनी से, तो सोनी लॉन्च किया ब्राविया XR मास्टर सीरीज, जो कि बोली है लगभग 85 इंचेस की 8K LED TV है, जिसकी प्राइस है लगभग आप समझ नहीं पाओ भाई, प्राइस एकदम अटूट है 12 लाख रुपए, कौन सी भाई फोन, अरे कौन सी भाई कहते टीवी है भाई 8K TV 12 लाख रुपए में, तो ये तो गलत बात है भाई, प्राइस अटूट है, कौन 12 लाख रुपए फंसाएगा, इससे अच्छा भाई हम प्रोजेक्टर खरीदने लें, तो उसके ऊपर डेवलप है, तो ठीक है आज के लिए रहता ही, कल नैनोज के साथ, तो आज के लिए गुड बाय कहिए, जाते लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कल मिलते हैं नैनोज के साथ, तो आज के लिए जय हिंद।